जो 1952 में माधवपट्टी गांव से जो सबसे पहले आईएएस ऑफिसर थे इंदु प्रकाश सिंह, ये उन्हीं के वंशज है भैया, मतलब इनके ही घर के हैं वो। तो अब इनसे बेहतर कौन बता पाएगा, तो अभी इनसे ना जान लेते हैं। और ये बता रहे हैं कुछ पहले एक बंगला था, सब बाहर सोते थे, फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ। तो सर चलो भैया, भैया से जान लेते हैं। तो मेरे सामने जस्ट बैठे हुए हैं, नमस्ते भैया, जय श्री राम। नमस्ते बच्चा, जय श्री राम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गाँव में। जय जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। और आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल है, पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आया हूँ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिला के एक छोटे से गांव। बस गांव नाम से छोटा है, बाकी इसके कारनामे ऐसे है ना कि मतलब पूरे विश्व में इसका कंपैरिजन कहीं नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ना ये गांव में सिर्फ और सिर्फ 75 परिवार है, और 75 परिवार में से 47 आईएएस पीसीएस है, और उसमें से एक परिवार ऐसा है जिसमें चार के चार चार मतलब तीन भाई और शायद एक बेटे, वो सब चार के चारों भी आईएएस ऑफिसर है। ये मतलब ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग, मतलब एक बोला जाए कि एक गांव है और एक गांव में 75 परिवार, और 75 परिवार में से सिर्फ 47 लगभग 50 आईएएस आईपीएस है। मतलब ये है ना भाई बहुत बड़ी बात। और पता है कि 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद सबसे पहला आईएएस जो है इंदु प्रकाश सिंह करके सर आए थे 1992 में, जो कि वो बिहार में चीफ सेक्रेटरी की उनकी कुछ तो जॉब थी। और पता है इस गांव में ना 75 परिवार में से ना लगभग हर घर में किसी न किसी की सरकारी नौकरी है ही। तो मैं चलूंगा भाई, ये है इस गांव के मेन गेट, एक तरफ का ये मेन गेट है और दूसरी तरफ का मेन गेट एकदम सूना सूना है, सही ना? दूसरी तरफ का ना मेन गेट है एकदम सूना सूना है। तो मैं अंदर गांव में चलूंगा, और मेरा मतलब मैं 20 साल का हो गया, मैं ना लगभग इस गांव के बारे में जब मैं 11th 10th में था तब इस गांव के बारे में सुना था, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि ये मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। तो मैं इस बार गांव आना हुआ तो आज मेरी मम्मी ने मुझे याद दिलाया था कि तू जाकर वहां पर विजिट कर ले, वीडियो बना ले। तो मैं भाई यहां पर आया हूं। तो देख लो भाई, ये है मेन गेट, और मेन गेट देख लो किस तरह से है। इसमें लिखा हुआ है माधवपट्टी प्रवेश द्वार श्री नरेंद्र नाथ सिंह एडवोकेट द्वारा निर्मित 8 मई 1999। 8 मई 1999 को ये मेन गेट का निर्माण किया गया था। तो चलिए भाई शुरू करता हूँ। मेरे साथ मेरे दोनों छोटो छोटे भाई है, ये है जय और ये है यश। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो भैया शुरू करते हैं, जय श्री राम। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, गेट से ना जस्ट आया हूँ। यहाँ पर तिराहा है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर। तो यहाँ पर ना एक अंकल जा रहे हैं, वो जो गए उनसे मैंने बात किया कि अंकल मैंने इस गांव के बारे में सुना, यहाँ पर काफ़ी आईएएस आईपीएस रहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा यहाँ रहते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, सब बाहर बाहर रहते हैं। तो मैं बोला कि कुछ बता सकते हो इस गांव के बारे में? तो बोले बेटा तुम अंदर गांव में जाओगे तो तुम्हें उनका घर वगैरह घर भी दिखेगा, बंगला दिखेगा, और अंदर ना पिंटू मास्टर करके कोई सर है, उनसे बात करो, वो तुम्हें बता देंगे। तो भाई चलते हैं हम पिंटू मास्टर जी को अभी ढूंढने। और देख लो भाई सूरज ना बस ढलने ही वाला है भाई, मुझे बस 15-20 मिनट चाहिए, मैं फिर फटाफट फटाफट कवर कर लूँगा सब। तो चलता हूँ भैया बिना किसी देरी के। तो गाइस गांव की तलाश में भाई बाहर यार एक छोटा सा डॉगी मिला था, यहाँ पे बहुत बड़ा मिला यार, बहुत डरा रहा है। तो कोई नहीं भाई, मैं गांव की निकला था कि मुझे कोई मिले, मैं उनसे बातचीत करूँ। और मुझे ना इत्तेफाक से भैया यहाँ पे वो जो अंकल मिले थे ना, उन्होंने मुझे पिंटू मास्टर का भी नाम बताया था। तो यहाँ पर मैं ना उनके घर पे पहुँच चुका हूँ, और पता है ये पूरे गाँव में ना उनसे बढ़िया उनसे बेहतर ना कोई नहीं बता सकता। और अभी मैं फिलहाल ना उनके घर पे हूँ, बट ना अभी जैसा कल भी था उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम चल रहा है, आज भी उसी एग्ज़ाम की वजह से वो बाहर गए हुए हैं। बट उनके घर में से ना मुझे उनके छोटे बेटे मिल गए हैं भैया, जो कि वो भी भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो ना हमको ना थोड़ा बहुत बता देंगे। और इसमें मज़े की बात पता है क्या है, जो 1952 में माधवपट्टी गाँव से जो सबसे पहले आईएएस ऑफिसर थे इंदु प्रकाश सिंह, ये उन्हीं के वंशज है भैया, मतलब इनके ही घर के हैं वो। तो अब इनसे बेहतर कौन बता पाएगा, तो अभी इनसे ना जान लेते हैं। और ये बता रहे हैं कुछ पहले एक बंगला था, सब बाहर सोते थे, फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ। तो सर चलो भैया, भैया से जान लेते हैं। तो मेरे सामने जस्ट बैठे हुए हैं, नमस्ते भैया, जय श्री राम। नमस्ते बच्चा, जय श्री राम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गाँव में। अरे थैंक यू सो मच। तो भैया आपके गांव में तो बहुत ज़्यादा सुना है, न्यूज़पेपर में भी आ गया था। मैं जब लगभग मुझे 6-7 साल पहले पता चला माधवपट्टी के बारे में, और मेरा घर भी यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, परियावां गांव। और मेरे दादा
और जो पिंटू मास्टर दादाजी है वो दोनों भी जी, आपके दादा से मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ। हाँ, घर से बड़ा घनिष्ठ संबंध है हम लोगों का। हाँ, उन्होंने भी मुझे बताया था, तो आज मेरी मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि तू गया है वहाँ पर, तो क्यों ना उस गांव हुआ, तो मैं आया हूँ। तो भैया आप मुझे ना इस गांव के बारे में ना थोड़ा बहुत बता दीजिए, जैसा आज अभी तो मास्टर जी प्रेजेंट नहीं है, तो जितना भी है वो सब आप बताओ। गाँव की जो फर्स्ट आई पहले आईपी सिंह थे, मिस्टर इंदु प्रकाश सिंह। हाँ, वो लास्ट में यहाँ कई कंट्रीज में एम्बेसडर बनके लास्ट में रिटायर, चार कंट्रीज में एम्बेसडर रहे हैं, भारत के राजदूत रहे हैं, बर्मा, सूडान, नेपाल और एक कोई और कंट्री थी, फ्रेंच शायद, शायद यूएसए, फ्रेंच, फ्रांस में कोई भी हो। उसके बाद उन्हीं के तीन भाई लोग, वो लोग भी सिविल सर्वेंट हुए। उसके बाद एक चेन स्टार्ट हो गई यहाँ सिविल सर्वेंट्स, उसमें सिर्फ आईएएस नहीं है, उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उसके बाद फिर ये पीसीएस वाले रैंक्स के भी ऑफिसर्स काफ़ी रहे। और इस गांव में सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के अलावा एकेडमिक लाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स पर रहे हैं। जैसे मेरे खुद के बाबा जो थे वो डीएसआईडीसी में विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे। हाँ, वो भी एक कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट की रैंक से कम रैंक नहीं होती, वो भी कहते हैं ना बराबर की रैंक है। हाँ, काफ़ी ऊँची रैंक होती है। और प्रेजेंटली अभी मेरे गाँव में अप्रॉक्स 47 या 49 सिविल सर्वेंट्स प्रेजेंट, मतलब कि टोटल हैं, टोटल है, उसमें से काफ़ी लोग अब नहीं भी हैं। प्रेजेंट में आप लेंगे तो 12-15 लोग हैं, 12-15 है। और ऐसा भी है कि मतलब आप बता रहे हो कि पहले ये सब यहाँ कुछ नहीं था पहले। हाँ बिल्कुल, पहले देखिए, पहले मेरे यहाँ ही नहीं, हर जगह पे ये था कि लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे। तो क्या होता था कि पहले एक हम लोग का बंगला था यहीं पे, ये जो घर देख रहे हैं ना। हाँ, ये एक बंगला हुआ करता था यहाँ पे, बड़ा सा मिट्टी का बंगला, मिट्टी का कच्चा घर, कच्चा घर, लेकिन उसको बंगला बोलते थे, बंगला बहुत भव्य तरीके से, मतलब उसके अंदर ना बड़ा ग्रैंड्योर था, भव्य था, इसलिए उसको बंगला बोलते थे। हाँ, तो इतनी बड़ी फैमिली थी हम लोगों की, वो लोग वहां से लेके यहाँ तक सब मैंने कभी देखा नहीं, बस सुनी हुई ये बातें अपने बाबा से, कि लोग खटिया बिछा के सोते थे, जितने भी जेंट्स हुआ करते थे घर में। हाँ, वो लोग खटिया डाल के यहाँ पे सोते थे, इतनी भीड़ हुआ करती थी। फिर बाद में फैमिली थी बहुत बड़ी, फाइनेंशियली स्टेबल होते चले गए, फिर धीरे धीरे सबका अपना अपना मकान बनते चला गया। आज के डेट में ये है कि जितने भी लोग सिविल सर्वेंट हुए, एक तो आपका, आपको भी इस बारे में जानकारी होगी, सिविल सर्वेंट्स को उनकी होम डिस्ट्रिक्ट में उसमें वो नहीं, हाँ, मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलती। तो अब वो लोग इतने दूर दूर उनकी पोस्टिंग्स हो गई हैं, तो वो लोग अपना यही है कि दे आप सामने। हाँ, तो भाई यही है कि मतलब जैसे अंकल ने बाहर बोला के आईएएस ऑफिसर तो है, बट सबकी पोस्टिंग बाहर होती है, तो इस वजह से ना ये जो है देख रहे हो ना, इतना बड़ा बंगला जैसे घर, ये पूरा सब कुछ बंद है, रेख देख करने के लिए मतलब ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सबकी पोस्टिंग बाहर हो जाती है तो फिर उनके सब फैमिली सब बाहर हो जाते हैं। और भैया आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा डिटेल में? मैं बाबू अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ, उसके अलावा इसी सिविल की प्रिपरेशन खुद से कर रहा हूँ। सिविल की प्रिपरेशन खुद से? हाँ, ये भी है कि माधवपट्टी गांव में ये मतलब 1952 में जब वो सबसे पहले उन्होंने मतलब आईएएस ऑफिसर का आईएएस ऑफिसर बने थे, तब ना कोई कोचिंग वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ सेल्फ प्रिपरेशन है। पूरे माधवपट्टी गांव में ही कहीं कुछ नहीं है, सब कोई ना ज़्यादातर ना मतलब सेल्फ प्रिपरेशन। और मैंने ना यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी देखे, उसमें भी यही है कि सेल्फ प्रिपरेशन से ही हुआ है। तो ये लगभग मतलब अब आज भी अगर कोई इस घर में, इस गांव में पैदा होता है तो वो बोलता है या तो मुझे आईएएस बनना है या तो आईपीएस बनना है। और भैया आपके घर में टोटल कितने आईएएस ऑफिसर, मतलब कितने गवर्नमेंट होंगे? मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब गवर्नमेंट जॉब्स में ही, सर हर कोई गवर्नमेंट में, टोटल कितने होंगे लगभग, डिटेल में बताइए ना, मतलब कि कहाँ कहाँ है, कैसे टोटल कितने हैं। लेकिन हाँ, मेरे जितने भी चाचा हैं, पापा हैं, कितने 15-20 लोग की फैमिली होगी, उससे बड़ी और बड़ी होगी मेरी फैमिली, 25-30 घर अलग दिख रहा है, मेरी पूरी मेरी फैमिली है, ये पूरी आपकी फैमिली है, फैमिली है। हाँ, ये गांव भी राजपूतों का, सिंह लोग का, राजपूतों का गांव से भी जाना जाता है ये। और जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर मिलेंगे वो सब भी राजपूत ही है।
तो भैया अभी भैया से बहुत मज़े की बात पता चली है कि मतलब इनके घर में शादी हुई, शादी के बाद जो मतलब चाची लगेंगी मेरी भी, वो तो चाची भी जब आई तो वो भी IAS, तो मैं इनसे पूछा वो शादी के पहले IAS थे या बाद में हुए, तो ये पता चला भैया वो भी बाद में हुए। तो मतलब ऐसा कभी भैया आपने सुना है कि मतलब लोग कहते हैं कि आपके घर पे कोई आशीर्वाद है या तो फिर कुछ कुछ उस तरह से कभी सुने हैं? ये कई बार ये स्टोरी सुनने मिलती कि आपके आपके गांव की मिट्टी कुछ ऐसी है जो सिविल सर्वेंट्स को ही पैदा कर रही है, या कई लोग जो आप बोल रहे हो कि आशीर्वाद है, लेकिन कुल मिला कि ये मैं ये मानता हूँ, मैं मेरा मानने वाली ना मानने वाली बात क्या है, जो सच्चाई है वो ये है कि हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क जो डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, डिवोशन है, वो इस चीज़ का मेन कॉज है कि यहाँ पे जो लोग हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट में सिविल के एग्जाम में अब क्रैक कर रहे हैं, उस चीज़ को बीट कर रहे हैं। आप अपना बताइए ना, दिन भर में आप कितनी पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? देखो तुम्हारा है सामने, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक, मेरी पढ़ाई बहुत कम होती है, हालांकि मैं थोड़ा सा ये रहता है ना कि स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा मन लगता है, इसलिए पढ़ाई कम हो पाती है, लेकिन हाँ फिर भी 5 घंटे हो जाते हैं। अभी भी मैं आया तो अभी भी आप YouTube से पढ़ ही रहे थे, क्योंकि दिन भर खेल रहा था। तो भाई बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए यहाँ, मिल रहा हूँ आप लोगों से, थैंक यू सो मच। और आप लोग तो फिर काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते होंगे कि कैमरा पहुँच जाता है आपके घर पे, ऐसा कुछ 3 घंटे इंटरव्यू चला है? अच्छा, मॉर्निंग में भी कौन सा एक चैनल था न्यूज़ के, कुछ लोग थे अभी 2 दिन पहले जी न्यूज़ वाले आए हुए थे। अच्छा, लोग भी अपना इंटरव्यू लेते रहते हैं, लेकिन ठीक है। मेरे ख्याल से ना भैया लोग को ना कुछ चार्जेस रखना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, कि मतलब इतना बोलते हैं। अभी मेरी वजह से, मैंने इनसे सिर्फ बोला कि मुझे बस 5 मिनट चाहिए और मेरी ये वीडियो ऑलरेडी 8 मिनट की हो चुकी है, करीबन मैं 15 मिनट से ज़्यादा ले चुका हूँ। तो भैया अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। भैया आप भी IAS की तैयारी कर रहे हो? अभी तो एट नहीं, लेकिन बाद में करना है। अभी क्या कर रहे हो फिलहाल में, प्रेजेंट? अभी 8th में हो, तो मतलब स्टार्ट से ही हो चुका है कि मुझे करना तो IAS ही है। आपका नाम क्या है? कान्हा सिंह। चलिए भैया आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, क्या जज्बा है भाई साहब, ऐसा ही रहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मतलब ये भाई हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि यूपी बिहार के लोग थोड़े उस तरह के होते, ऐसा मतलब पिछड़े, हाँ वही मतलब उनकी सोच बहुत छोटी होती है इस तरह के लोग। बट यही देखो भाई कि उत्तर प्रदेश की धरती के जौनपुर जिला के एक छोटे से गांव, इसे बोला जाता है छोटा सा गांव, 75 परिवार वाला गांव, और इसमें भाई लगभग 50 IAS ऑफिसर, ये छोटी बात नहीं है भाई। गांव छोटा है और सोच छोटी है, बट भाई यहाँ के लोगों के कारनामे बहुत बड़े हैं। तो मैं अभी चलता हूँ बाहर, और मुझे अगर कोई गांव का बड़ा बुजुर्ग मिला तो मैं उनसे बात करूँगा। और मैंने गांव का रोड वगैरह आपको दिखा दिया, और यहाँ पर देखा मैंने रोड भी साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा लगा कि भाई मतलब ऐसा अच्छा फील होता है कि मतलब ये मेरा गाँव है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस भैया मैं यहाँ से आपकी ओर से चलता हूँ, थैंक यू सो मच आपके इतने कीमती टाइम के लिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, फिर आप लोग जरूर आइएगा, ऐसे बीच बीच में मिलते रहा करिए, बिल्कुल ऐसे कोई भी बात नहीं है, आप लोग जब भी आएंगे मेरा सन आप लोग के लिए बिल्कुल रहेगा। थैंक यू सो मच भैया। तो भैया चलते हैं यहाँ से, टाटा। तो गाइस मैं अपना कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉग वीडियो एंड, और जहाँ पे मैं अभी शूट किया था तिराहे पर, अभी मैं तिराहे से काफ़ी नज़दीक हूँ, और यही है जो बंगला मैं दिखा रहा था, ये बंगला है यहाँ के पूर्व प्रधान का, पूर्व प्रधान यानी अपने घर के नगर सेवक हो गए उस तरह से। तो भाई अंधेरा हो रहा है और यहाँ पर ना कोई लोग भी नहीं मिल रहा, काफ़ी सुनसान है भाई। तो मैं चलता हूँ अपना ये ब्लॉग वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ, और मुझे ये भैया से मिलकर ना बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ना काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और लास्ट में निकलते निकलते ना हम पिंटू मास्टर जी से मिल लिए, वो भी काफ़ी अच्छे व्यवहारिक है, उन्होंने भी अपना 5 से 10 मिनट का टाइम हमें दिया, वो भी बाइक पर बैठे बैठे, बाइक चालू ही थी, बोले जाना है करके 5 से 7 मिनट के लगभग हमसे बातचीत कर लिए, और वो बताए कि जैसा मेरे बेटे ने बताया वैसे ही लगभग मैं बताऊँगा, बट मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता देता।
तो अभी उनको भी काफ़ी 2-3 शादियां में जानी है, हमको भी एक शादी में जानी है, तो वो तो मेरा ब्लॉग अलग रहने वाला है। तो बस मेरे इस ब्लॉग में इतना ही, बाकी माधवपट्टी गांव में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ना एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि उनके पास ना आज सुबह ही 3 से 4 लोग इंटरव्यू लेने पहुँचे थे। एक होता है ना कि मतलब मैं दिन भर में इतनी इंटरव्यू दूँ तो मुझे बहुत चिड़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगा, क्या बार बार बताना, क्या बार बार बताना। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, वो एकदम प्यार से एकदम अच्छे से, बस उन्होंने मुझसे इतना कहा कि मेरा ज़्यादा समय मत लेना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो भाई फिर भी मैंने ना ना करते करते उनका 15 से 20 मिनट का टाइम ले लिया। तो भैया का व्यवहार भी अच्छा लगा और दीदी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी। दीदी ऑन कैमरा नहीं बोली है, बट भैया ने जितना भी मुझे बताया ना उसका लगभग 30-40% दीदी ने ही उनकी हेल्प की थी। और बस ख़त्म आज का व्लॉग वीडियो यहीं पर एंड। माधवपट्टी गाँव घूम लिया मैं, और यही है ज़्यादातर हर कोई अब पोस्टिंग उस गांव में नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे IAS बन गया तो मेरा पोस्टिंग इस जिला में नहीं होगा, कहीं और जाना पड़ेगा मुझे। तो इसी तरह सब लोग बाहर बाहर जा चुके हैं, सूरज ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है। तो बस मैं कर रहा हूँ अपना ये ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में इसी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन में, कोई मिलेगी तो ज़रूर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।